बापरे 5,700 feet. अच्छा खासा है यार. A road trip is a way for the family to spend some time together and explore some new places with some unexpected adventures encountered on the way. Well, don't know if everyone does experience some unexpected adventures on a family trip, but we sure did on this short 2-night trip to this heaven on earth named as Coorg. So, join us in this crazy family road trip and you sure will be thrilled. What's up everybody, welcome back to another video and this is the video from our new home. और यहाँ से हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग जा रहे हैं एक वीकेंड ट्रिप पे. कहाँ भाई? ऑल फेमस द स्कॉटलैंड ऑफ इंडिया, कूर्ग. तो सुबह के 7 बज रहे हैं, आज संडे है, निकलेंगे यहाँ से. 2 नाइट्स का ट्रिप है तो अराउंड 6 आवर्स लगेगा यहाँ से जाने में. कूर्ग अपनी ही कार से रोड ट्रिप करते हुए जा रहे हैं. मस्त उठ गए हैं, एकदम नाश्ता वाश्ता करके रेडी है. तो सुबह 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 हो रही है, इतने दिन बाद इतना सुबह सुबह उठ रहे हैं. इतने सुबह सुबह तो उठते नहीं हैं, जब ट्रिप करना होता है ना तभी उठा जाता है इतना सुबह. और ये जो सनराइज़ का जो व्यू दिख रहा है यहाँ से, भाई ये तो फील आ गई यार. अभी गाड़ी चलाने में मज़ा आएगा. लास्ट गाड़ी जो चलाया था ना, जो कन्नूर वाला वीडियो आया था मेरा, कितने दिन पहले आया था, व्हेन आई वाज स्टार्टिंग टू व्लॉग, दैट वाज अराउंड 1.5-2 years back. तब मैंने कार की रोड ट्रिप की थी. उसके बाद अभी जा रहे हैं रोड ट्रिप करने. तो इट्स अ लॉन्ग टाइम. कोविड के कारण कुछ रोड ट्रिप सारे बंद हो गए थे. तो यार फन होने वाला है, खूब गाड़ी चलाऊँगा, खूब मज़ा आने वाला है. और आप लोग भी साथ में इंजॉय कीजिए. What's up guys? So finally चलते चलते कुछ 30 किलोमीटर्स आगे आने के बाद एक ब्रेक लिए हैं यहाँ पे टिपिकल साउथ इंडियन एक रेस्टोरेंट में, वेजिटेरियन रेस्टोरेंट में. सुबह का नाश्ता 8-10 हो रहे हैं, 8:15 के राउंड हो रहे हैं. तो अभी डोसा खाएंगे, सुबह का नाश्ता करेंगे एंड कॉफ़ी पियेंगे, फिल्टर कॉफ़ी मस्त हाईवे का, जो ट्रेडिशनल एक्सपीरियंस होता है यहाँ पे डिफाइन करेंगे. और हम लोग क्या है कि अभी मुँह के मम्मी पापा के साथ ये ट्रिप करने आए हैं, तो उनका ये फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस रहेगा. तो अभी मस्त तो वो भी खाएंगे, उनको भी मतलब साउथ इंडियन खाना बहुत पसंद है. तो हम लोग साथ में बैठ के खाएंगे और अभी उसके बाद अपना जर्नी कंटिन्यू करेंगे. तो दिस इज़ आवर फर्स्ट स्टॉप एंड द ट्रिप इज़ गोइंग वेल. सुबह सुबह निकल गए हैं तो इसलिए कहीं पे ट्रैफिक नहीं मिला और होपफुली आगे भी नहीं मिले ट्रैफिक. और हाँ, और ये हम लोग दूसरा रूट के थ्रू जा रहे हैं, दिस इज़ नॉट द ट्रेडिशनल मैसूर रूट टू कूर्ग. सो आई एम टेकिंग दिस रूट फॉर द फर्स्ट टाइम, सो लेट्स सी हाउ इट इज़ गोइंग टू पैन आउट. बाबा मस्त खा लिया डोसा और मेदू वड़ा, मज़ा आ गया खा के. ब्रेकफास्ट से हो गए रेजुविनेट, अब चलेंगे लॉन्ग ड्राइव पे. लेट्स कंटिन्यू आवर जर्नी टू कूर्ग. दिन हो गया भाई चलाते चलाते गाड़ी, अभी कड़ी धूप आ गई है इस टाइम पे एंड वी आर मिडवे. 100 किलोमीटर कवर कर लिया है, नहीं मिडवे तो नहीं है, 100 किलोमीटर कवर कर लिया है एंड 60% अभी भी बचा हुआ है, 60% ऑफ द जर्नी. होपफुली भाई 2 पहुंच जाएंगे, लेकिन बीच में रुकते रुकते जाएंगे तो मान लो 1 घंटा और ऐड कर लो तो 3 बजे तक पहुंच जाएंगे. ये रोड बेटर है यार मेरे हिसाब से, अभी तक तो मेरे को बहुत सही लगा है. मैसूर रोड में क्या है ना कि इतना मस्त हाईवे नहीं है, ये वाला जो है ना ये मस्त सब 4-lane हाईवे है. गाड़ी एकदम फचाफच एकदम फुल स्पीड में भागती है यार, इतना मज़ा लगता है ना गाड़ी चलाने में. अगर आपको गाड़ी चलाने का थोड़ा सा अच्छा शौक है तो ये वाला रोड लो. मैसूर रोड से तो सिटी सिटी से होते हुए जाते हैं तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक रहता है एंड इतना स्पीड पे गाड़ी चला नहीं सकते हो. यहाँ पे ना इस रोड पे ना मस्त स्पीड पे गाड़ी चल रही है टू गो टू कूर्ग. आई फील कि अभी तक तो मेरा एक्सपीरियंस इस रोड का बेटर रहा है. ठीक है तो चलो देखते हैं आगे धीरे धीरे कैसा रहता है एक्सपीरियंस, शेयर करते रहेंगे. एक ब्रेक ले लिया है, अभी लेट्स सी हाउ मेनी मोर ब्रेक्स आर देयर टू कम बिफोर वी रीच कूर्ग. लेट्स कंटिन्यू आवर जर्नी गाइस.
एक और स्टॉप ले लिया है और अब क्या है कि अब हमारा जो मल्टी फोर लेन हाईवे है वो चेंज होके डबल लेन हाईवे बन गया है, मतलब सिंगल लेन रोड बन चुका है। तो धीरे धीरे नारो होती जा रही है, अब धीरे धीरे पहाड़ भी आएगा। अभी तक का एक्सपीरियंस तो सही रहा है। गन्ने का जूस पीने के लिए रुके हैं, मम्मी यहाँ पे गन्ने का जूस पी रही है, मैंने तो कोल्ड ड्रिंक लिया, मैंने पिया। मैं तो थक गया इतने दिन बाद चला रहा हूँ इतना लंबा, लेकिन मज़ा भी आ रहा है, एक्सपीरियंस भी सही है कि काफ़ी अच्छा सा फीलिंग आ रहा है सही एकदम नेचर में। तो जब नेचर में जब आप चलते हो ना तो इतना मज़ेदार फीलिंग आता है कि क्या बोले। ये देखो खुला खुला आसमां, खुला खेत पूरा, इसके बीच से जो जाने का जो मज़ा ही है ये कुछ अलग ही है। एंड आई थिंक मतलब अभी कूर्ग जाएंगे, वहाँ पे अगर मिस्टी वाला वो माहौल मिल गया ना भाई तो अपना तो बस सेट हो जाएगा, एकदम प्रॉपर प्रॉपर सेट हो जाएगा। ठीक है, तो तीन स्टॉप्स हो चुके हैं, अभी 100 किलोमीटर्स और है यहाँ से कूर्ग, तो चलते हैं। ऑन टाइम पर चल रहे हैं भाई, 11:30 हुआ है। ठीक है, तो लेट्स कंटिन्यू आवर जर्नी गाइस। ओहो भाई साहब, पहुंच गए हम लोग फाइनली इस होटल में, हमारा ब्रुकस्टोन विलास। भाई आते आते ना गजब ही एडवेंचर हो गया। ठीक है, गूगल दिखा रही थी एक बहुत से आगे से जाके यू टर्न जाके 18 किलोमीटर्स दूर, तो हम लोग वो रोड लेने तो चल गए, लेके गए और फिर हाफ वे थ्रू अराउंड 10 किलोमीटर्स कवर कर लिया, फिर एक यू टर्न आया। फिर इस यू टर्न जैसे ही लिया ना, रोड नैरो होते गया और हमारी कार लेके हम लोग चारों लोग चढ़ रहे हैं ऊपर। एंड ऊपर जाके धीरे धीरे क्या हुआ कि भाई गाड़ी हमारी जाके एक जगह फंस गई और इतनी ज़्यादा स्टीप थी वो, मतलब क्या बताऊँ, मतलब वो इतना ज़्यादा स्टीप था, मेरी तो एक टाइम के लिए लग गई कि भाई अब क्या होगा, अब मैं तो निकाल ही नहीं सकता अपना गाड़ी। और हम गाड़ी फंस गया, मैं फर्स्ट गियर पे लगाया और हैंड ब्रेक लगाया और सबको बोला कि भाई आप लोग सब लोग निकलिए, मैंने सबको गाड़ी से निकाला फटाक से। उसके बाद वहाँ पे किस्मत से क्या हुआ कि एक अंकल मिल गए जिनका जीप वहाँ पे रखा हुआ था, वो जैसे तैसे क्या किए कि वो अपना जीप लिए, जीप में से एक रस्सी लगाया, रस्सी लगा के मेरे गाड़ी से अटैच किया, फिर हमारे गाड़ी को टो करके हमने थोड़ा दूर निकाला। फिर मेरा तो कॉन्फिडेंस ही चला गया था, मैं उनको बोला कि भाई आप मेरे को नीचे स्मॉल एरिया तक ड्रॉप कर दीजिए मुझे अच्छे से। ठीक है, तो फिर उनको वो मेरे को हमें अच्छे से ड्रॉप कर दिए, उनको थोड़ा सा पैसे दे दिए। ठीक है, अच्छे से थोड़ा सा ये करने के लिए। एंड देन फाइनली हम लोग वापस आए, इधर फ़ोन किया ब्रुकस्टोन विलास में कि क्या है भाई क्या बताओ, तो देखिए बस न्यू लोकेशन, वो न्यू लोकेशन लेके इधर फाइनली हम लोग पहुँच गए। लेकिन यार गजब लेवल का एडवेंचर हो गया, मतलब 2 घंटे एक्स्ट्रा इसी कारण से लग गए भाई, मेरी तो टेंशन में आके हालत ख़राब हो गई थी। बट खैर ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल, हम लोग अच्छे से पहुंच गए। एंड दिस इज़ अ वेरी कूल नाइस रस्टिक वाइव, देयर आर कॉफ़ी प्लांटेशन, आई कैन सी कॉफ़ी बीन्स, कॉफ़ी ट्रीज सराउंडेड बाई, देर इज़ अ नाइस एरिया टू सिट अराउंड एंड द रूम इज़ क्वाइट स्पेशियस, देर इज़ अ बिग बैल्कनी विद एन ऑसम व्यू इन इट। मैं रूम का और होटल का भी थोड़ा सा वीडियो बनाऊँगा तो आप देखिएगा, इट्स अ गुड प्लेस टू स्पेंड अ वीकेंड हेयर, बट बी श्योर टू कॉल अप बिफोर यू कम गाइज, कॉल अप द गाइज हेयर राइट, कॉल अप द गाइज हेयर इन द ब्रुकस्टोन विलास दैट शेयर यू द एग्जैक्ट लोकेशन, बिकॉज इफ यू डोंट यू माइट एंड अप गोइंग टू अ प्लेस वेर यू विल रिग्रेट। लकली फॉर अस यू वेर एबल टू कम बैक, एवरी वन वॉज देयर एट द राइट प्लेस एट द राइट टाइम एंड बिकॉज ऑफ दैट आई एम एबल टू मेक दिस वीडियो, बट बॉय ओ बॉय That was one hell of an adventure experience for me. और आज के लिए क्या है कि आज के लिए दिन यहीं पे ख़त्म करेंगे। ठीक है, कल नेक्स्ट डे अगला दिन एक नई सुबह के साथ हम लोग कूर्ग का और साइट सीइंग करने जाएंगे।